गुड मॉर्निंग, मैं आज NMR की 7th क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले जो क्लासेज हुई थी उसमें मैंने आपको NMR के 3 करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, तीसरा पीक एरिया एंड पीक इंटेंसिटी। और आज हम ले रहे हैं वो है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल का विपाटन। नंबर ऑफ सिग्नल में हमने बताया था इक्विवेलेंट जो सिग्नल है वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने तरीके हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने तरीके के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है कि उस डिफरेंट फैक्टर उस प्रोटॉन की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। और तीसरा नंबर जो पीक एरिया पीक इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि कितने प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ एक कार्बन पर कितने तरह के एक कार्बन पर कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ऐसे दूसरे कार्बन पर कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगी। जो हम पिछले में हम देख भी चुके हैं 3 प्रोटॉन की इंटेंसिटी 2 प्रोटॉन से अधिक होती है। अब लास्ट आता है हमारे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। ये डिपेंड करता है मेनली स्पिन स्पिन कपलिंग विद नियर बाय प्रोटॉन या नेबरिंग प्रोटॉन, यानी ये पड़ोसी प्रोटॉन के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग पर डिपेंड करता है। यानी कि इस प्रोटॉन की कपलिंग इसके साथ होती है और इसी प्रकार से इस प्रोटॉन की कपलिंग इसके साथ होती है, तो इसकी वजह से जो है सिग्नल जो हमको प्राप्त हो रहे होते हैं, यानी यहाँ 2 सिग्नल प्राप्त हो रहे होते हैं, उनका विपाटन हो जाता है। होता किस प्रकार से है, जैसे हमने कहा मान लो हमने CH3 के 3 प्रोटॉन की बात करी, तो 3 प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, 3 प्रोटॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ मिथाइलिन जो 2 प्रोटॉन है, मिथाइलिन 2 प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मिथाइलिन 2 प्रोटॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतर्क्रिया करता है। यानी कि 3 जो प्रोटॉन होते हैं CH3 के 3 प्रोटॉन वो CH2 के 2 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करते हैं, और उस वजह से जो CH3 का हमको एक सिग्नल प्राप्त हो रहा था अब वो एक ना होकर, चूंकि वो 3 तरीके से आपस में इनका अरेंजमेंट होता है तो वो पीक भी कितने में टूट जाती है, वो 3 में स्प्लिट हो जाती है, या उसका जो सिग्नल का जो विपाटन है वो 3 पार्ट में हो जाता है। यानी CH3 के 3 प्रोटॉन का सिग्नल अब CH2 के कारण वो इस तरीके से 3 भागों में बट जाता है। इसी प्रकार से हम लेते हैं ये वाला कि जहाँ पर हमने कहा अब CH2 प्रोटॉन पर इस CH3 का क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि ये CH2 प्रोटॉन का जो सिग्नल होता है वो इन 3 प्रोटॉन के कारण वो कितने में टूट जाता है, वो टोटल 4 भागों में विपाटित हो जाता है, या 4 भागों में उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर इस स्थिति में देखें, हमने कहा कि 2 प्रोटॉन के किस तरीके से अरेंजमेंट हो गए, 4 अरेंजमेंट हो गए जिसमें 2 सिमिलर हुए, यानी कि इन 2 की, यानी कि जब हम एक पीक का विपाटन करेंगे 3 भागों में इस प्रकार से, तो उसमें एक इंटेंसिटी क्या होगी, इन 2 से ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से यहाँ ये 3 प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है वो कितने तरीके से हो गया, वो 8 तरीके से हो गया, जिसमें ये 3 और ये 3 इनकी सिग्नल की जो तीव्रता होगी वो सेम होगी। यहाँ विपाटन कितने तरीके से हुआ, 4 तरीके से हुआ, ये 4 तरीके से, लेकिन यहाँ इन 2 की जो तीव्रता होगी वो इस प्रकार से इनसे फर्स्ट और लास्ट से अधिक होगी, ठीक है। अब अगर मान लो हम कहते हैं कि अगर ये इस तरह से कोई और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमने ये लिया, अब ये जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से, यहाँ अब ये CH2 है, ये अब कितने में, इसका विपाटन कितने में हो जाएगा, इसके सिग्नल का ये एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और यहाँ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसका इसकी वजह से N+1, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि पड़ोसी जो अगर पड़ोस में N प्रोटॉन है तो N+1 में इसका विपाटन हो जाएगा, यानी यहाँ चूंकि एक प्रोटॉन है तो इसका विपाटन कितने में हो जाएगा, 2 में स्प्लिटिंग हो जाएगी। यानी CH2 की जो पीक आएगी वो इस CH की वजह से 1+1 यानी 2 में उसका विपाटन हो जाएगा। इसी प्रकार से CH जो है वो इसके पड़ोस में चूंकि 2 प्रोटॉन है अतः ये N+1, यानी N+1 मतलब कितना हो गया, 2+1, यानी उसकी जो पीक होगी वो 2+1 यानी 3 में उसका विपाटन हो जाएगा, यानी सिग्नल का विपाटन 3 भाग में हो जाएगा। तो हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि पड़ोस में कितने परमाणु हैं और उसी की कपलिंग के कारण वो N+1 में जो भी पीक होगी वो पड़ोस के N प्रोटॉन के कारण N+1 में उस पीक का विपाटन हो जाएगा, या पीक जो है वो 3 भाग उतने N+1 भागों में टूट जाएगी। अब सिग्नल की तीव्रता का अनुपात किस प्रकार से होता है, जैसे अगर सिंगलेट है तो उसका तो विपाटन हुआ ही नहीं। अब सिंगलेट किस तरह का है? मैं एग्जाम्पल आपके सामने लूँगा अभी।
डबलेट है, मान लो कोई पीक दो में टूटी तो उसको हम कहेंगे डबलेट, और डबलेट का क्या हो गया, उसकी पीक की तीव्रता दोनों की सेम होगी। इसी प्रकार ट्रिपलेट है, जैसे अभी हमने लिया था ये ट्रिपलेट, तो हमने देखा पहले और लास्ट वाले की सेम है और बीच वाले की ज़्यादा, तो एक दो एक में, और ये हमने दिखाया भी है। ये इस तरीके से जो प्रोटॉन है उसके चक्रण को हमने इस प्रकार से दिखाया, दोनों एक दिशा में, यहाँ दोनों भी एक दिशा में और यहाँ विपरीत दिशा में, दो तरीके के अरेंजमेंट, तो एक दो एक। इसी प्रकार क्वार्टेट में हमने दिखाया एक तीन तीन एक, ये रहा एक तीन तीन एक, और ये भी हमने इसको सिग्नल को इस प्रकार से दिखाया, ऐसे क्विंटेट, ऐसे सेक्सटेट, सेप्टेट, इस तरह से हमें सिग्नल की तीव्रता प्राप्त होती है। हम आगे से आगे इसको लेते रहेंगे। अब एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमने लेते हैं CH3CH2Cl का। अब इसमें हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल इसमें कितने हो गए, हमने कहा नंबर ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल की संख्या, नंबर ऑफ सिग्नल, तो नंबर ऑफ सिग्नल हमने कह दिया दो, कौन कौन से, ए और बी, ये तो हम बता ही चुके हैं, एक तो हो गया ए, एक हो गया बी, और अब फील्ड पर कौन सा होगा, अब फील्ड पर होगा, यानी अगर मैं यूँ अगर अब फील्ड और डाउन फील्ड के हिसाब से बनाऊं तो बी होगा अब फील्ड पर, और ये कहाँ पर होगा, ए जो होगा वो डाउन फील्ड पर होगा। ये तो हुआ नंबर ऑफ सिग्नल, पोजिशन हमने बताई दी अब फील्ड और डाउन फील्ड, क्योंकि ये सीएल से इफेक्टेड है। अब आता है नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन की भी हमने बात कर दी, पोजीशन की हमने बात कर दी, पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब इसके बाद आता है पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी। तो यहाँ जो पीक एरिया पीक इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो हमने कहा था तीन एच जो प्रोटॉन के कारण है, तीन एच प्रोटॉन की, यानी बी की जो पीक होगी वो ए से अधिक होगी, क्योंकि ये तीन प्रोटॉन के कारण है और ये दो प्रोटॉन के कारण है। और लास्ट आता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल में हमने क्या कह दिया, जो बी है वो इस दो के कारण कितने में टूट जाएगा, दो प्लस एक यानी ट्रिपलेट में, और जो ए है वो इस बी के कारण कितने में टूट जाएगा, यानी तीन प्लस एक बराबर यानी कितने में, चार में टूट जाएगा। तो हम इस तरीके से उसको दिखाते हैं, जैसे हमने कहा ये TMS है। अब हमको दिखानी है कहाँ पर, ए बी की कहाँ पर दिखानी है, अब फील्ड पर, और ए की कहाँ दिखानी है हमें, डाउन फील्ड पर। अब इसमें हमको दिखाना है किसकी इंटेंसिटी, किसकी पोजीशन क्या है सिग्नल की, सिग्नल की हमने कहा ये बी और ए, ये हमने बता ही दिया दो पीक हो गई, और कहाँ पर हो गया, एक बी और ए, बी कहाँ पर हो जाएगा, फील्ड पर। यहाँ तीन प्रोटॉन के कारण है तो ये हमने उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा दी, एक के कारण है तो उसकी इंटेंसिटी हमने इसकी तुलना में एक, क्योंकि दो प्रोटॉन के कारण है तो हमने उसकी इस तरह से इंटेंसिटी कम दिखा दी। अब चूंकि B जो है वो कितने में टूट गया, A की वजह से, A की वजह से यानी कितने में टूटा, दो प्लस एक यानी तीन में टूटा, यानी हमको ट्रिपलेट प्राप्त हुआ, तो हमने उसको यूं दिखा दिया। ये इस प्रकार से हमने इसको दिखा दिया। और जो A है वो कितने में टूटा, इस B की वजह से वो तीन प्लस एक यानी कितने में हो गया, चार में, तो हमने उसको यूं दिखा दिया। इस प्रकार से, तो यानी हमको क्या मिल गया यहाँ पर, B का क्या हो गया, B का मतलब तीन एच, और ये क्या मिल गया हमको, ट्रिपलेट, और यहाँ दो एच, और दो एच का हमको क्या मिल गया, क्वार्टेट। तो हमें इस प्रकार से पीक प्राप्त हो गया। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इसी प्रकार से हमने लिया CH3, ये भी हमने लिया था एसिमेट्रिक इथर। तो अब हमें पता है इसमें तीन एच एक ही सिग्नल देंगे, इसी प्रकार से ये नो एच जो है वो भी एक ही सिग्नल देंगे, तो हमको दोनों का क्या होगा, यहाँ पर दोनों का ही हमको सिंगलेट प्राप्त होगा, इसका भी सिंगलेट और इसका भी सिंगलेट। और हमने ये बता ही दिया था कौन सा डाउन फील्ड पर होगा, ये डाउन फील्ड पर होगा, मिथाइल के तीन प्रोटॉन डाउन फील्ड पर होंगे। पीक इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, तो सिंगलेट ही होगा, क्योंकि ये पास में नहीं है, ये दूर हो गए, इनके बीच में इतने बॉन्ड आ गए, ये दूर हो गए, तो इनमें स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होगी। हाँ, ये एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन, ये रहा CL, CL और CL। अब इसकी एक पीक प्राप्त होगी हमें ए, और इसकी भी ऐसी दूसरी है, यानी दो ये एक जैसे हो गए और ये दो।
अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, दो सिग्नल प्राप्त हो गए। पोजीशन अब कौन सा डाउनफील्ड पर होगा, क्योंकि ये दो Cl इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ इस कार्बन से एक ही Cl जुड़ा हुआ है, तो A जो होगा वो डाउनफील्ड पर होगा और B कहाँ होगा, वो इसकी तुलना में, A की तुलना में वो अपफील्ड पर होगा, हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि पीक एरिया, पीक इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो B की इंटेंसिटी क्या होगी, वो A से ज़्यादा होगी। अब लास्ट आता है स्प्लिटिंग, तो हमें पता है कि A जो होगा, A की जो पीक होगी यानी A की, वो इस दो के कारण क्या हो जाएगी, यानी 1H के कारण है। पहले तो हम कह रहे हैं A की जो पीक है 1H के कारण है, तो इन 2H के कारण वो कितने में टूट गई, 2H के कारण वो 3 में, तो हमें क्या हुआ, 1H का ट्रिपलेट प्राप्त हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 2+1 इसके पड़ोस में है, दो प्रोटोन इक्वलेंट प्रोटोन, तो 2+1। इसी प्रकार जो B की पीक होगी, चूंकि वो दो प्रोटॉन के कारण है और उसके प्रोटॉन उसके पड़ोस में कितने हैं, उसके पड़ोस में एक ही प्रोटॉन है, तो वो 1+1 यानी कितने है? हमको 2H का क्या मिला, हमें डबलेट। इस प्रकार से हमें ये भी सिग्नल प्राप्त हो गया। लास्ट एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर C4H9Br, ये हमने लिया C4H9Br और इसका हमें मिला डेल्टा 3.33 और 3.33 और 2H डबलेट। इसी प्रकार यहाँ डेल्टा 1.04 6H डबलेट और इसी प्रकार से इसका मिला डेल्टा 1.95 और 1H मल्टीप्लेट। अब यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, इस कंपाउंड के लिए हम कितने तरह के आइसोमर बना सकते हैं, तो हम देखते हैं एक तरह से CH3 CH2 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 Br, एक हम लेते हैं स्ट्रक्चर इस प्रकार से, एक इसी प्रकार से हम आगे और लेते हैं, और एक लास्ट इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि ये पीक वास्तव में किसकी है, ये जो पीक है वो किसकी होगी, तो अभी इसका आंसर है ये। अब ये आंसर किस तरीके से निकलेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी एग्जांपल लेंगे, और एक टॉपिक जो इसका और होगा वो होगा कपलिंग कांस्टेंट क्या है, और इसी के साथ में ये जो इस एग्जांपल को लेंगे और कंबाइंड एप्लीकेशन भी NMR के तथा NMR के साथ UVIR के भी लेंगे। थैंक यू।